पक्कन वाली। चुप रहो, शकल देख रहे हैं सब्जी वाला की। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार हूँ, थोड़ी चिपड़ू सी लग रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने बाल बांध लिए अपने। आज हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि आज है बड़मावस, इसकी ना पूजा होती है हमारे यहाँ पर। अच्छा देखो 32 के 32 दांत नजर आ रहे हैं। हाँ। अच्छा कभी कभी तैयार होते ना इसलिए। अच्छा अच्छा, और मम्मी को देखो अभी तक तैयार नहीं हुई, झुमके भी पहने हैं। हाँ अच्छा, अब लिए तो पहनेंगे ही ना। अच्छा नाटक देख, चुप रहा। जा कहाँ रही हो, तैयार होके? अरे हम आज है क्या, कहाँ जा रही हो? हम मंदिर जा रहे हैं, वो आज क्या है, बड़मावस है। हाँ तो मम्मी ने तैयार हुई, मम्मी को तैयार होने का इतना आलस आता है। अच्छा कभी साड़ी नहीं पहनेगी। अरे बड़े लोगों को तो तैयारी करनी पड़ती है थोड़ा पूजा की। काल बाल काले कर लेते, पूरे सफेद हो जाएंगे तब। तब फिर काले करोगे? नहीं काले नहीं, पूरे सफेद कर। कुछ और सोचूंगी, कुछ और सरप्राइज। मम्मी कह रही कुछ और सोचूंगी सरप्राइज। पूरे सफेद करने के बाद फिर अच्छी सी हेयर स्टाइल लेंगी, अलग लुक में आएंगी। बढ़िया है, जाओ मंदिर, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप भी चलोगे? जरूर क्यों, चलो थाली तो ले लेती, काम कर रहा हूँ। तो मम्मी की थाली रेडी हो चुकी है और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। गाय खो रही है उधर, कुछ देना गाय को बाद में। अच्छा चलो खा लो, मीठी पूड़ी खिला रही है। गाय सेवा चल रही है सबकी। हाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं मंदिर। भाई फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और हालत खराब हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आ जाओ मम्मी कर रही पूजा। अच्छा सामान भूल जाते हैं ना। हेलो हेलो कर दो, आप ही थोड़ा सेफ रहो, मास्क लगा लो, सेफ रहो, सब लोग कहाँ हो आप लोग? आप कहाँ हो? राजस्थान। तो फ्रूट यही चढ़ा दे, चढ़ा दो मंदिर में दे देंगे, चढ़ा दो। बधाई हो बधाई। आओ जी वेलकम बैक। तो कैसा लगा इतने दिनों बाद गाड़ी चला के? अच्छा लगा, थोड़ा दूर तक चला के लेके जाऊंगी तब मजा आएगा। दूर तक काम पहाड़ों में, मतलब अच्छी जगह प्रैक्टिस कराओ, ये क्या खाली खाली रोड पर चलाना इजी है। बहुत गर्मी, 15-20 मिनट के अंदर बहुत गर्मी और बहुत भीड़ और बहुत गर्मी। आज है क्या बड़मावस? इसमें क्या होता है? वो बड़ की पूजा करते हैं, बड़ के वृक्ष की। हाँ ऐसे 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 डोरी बांधते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है? आपकी उम्र बढ़ती है। अरे मेरी बढ़ेगी, मैं अकेला जी क्या करूंगा? सावित्री है? अरे वो सावित्री ने नहीं, सबकी बढ़नी चाहिए ना। सबकी बढ़ेगी, मैं अकेला लंबा 100 साल जीऊंगा क्या करूंगा मुझे के? आपकी नहीं बढ़ेगी? सबके लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है, पति पत्नी। अच्छा अरे बहुत चीटियां थी, चीटियां चढ़ गई ऊपर, चीटियां चढ़ गई अलग। और माँ बाप की उम्र के लिए कोई पूजा नहीं होती? माँ बाप तो माँ बाप ही है उम्र के लिए। हाँ माँ बाप की तो सबके लिए है, कह रही सबके लिए। पसीने देखो खराब हो गई, एक है ना पता, बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसकी मम्मी और मैं थोड़ी सेम सी साड़ी पहने थे, पकड़ लिया उसने। तो मम्मी कह रहा मम्मी मम्मी, मैंने कहा उसकी मम्मी चली गई घर, कुछ सामान भूल गई थी, तो और मुझे कर रहा है, और उसकी दादी बोलती है ये कंफ्यूज हो रहा है, मास्क में आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को समझ में नहीं। तुम सेनापति सी लग रही हो, सेनापति हाजिर हो। अभी कहानी रह गई है ना,
सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम लोगों को नाश्ता भी नहीं मिला है सुबह से। अरे सुबह से पूजा कर रहे पागल हो गए गर्मी में। तो अभी बस मैंने एडिटिंग करी है और उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स मिला, क्या बताऊं मैं। नाश्ता करेंगे, पता नहीं क्या मिलेगा नाश्ते में। क्या बनाओगी? पूरी आलू मेरे लिए, मैं तो पूरी खाऊंगा ही नहीं। छोले चावल। मैं छोले चावल क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने से ऑयली खाना बंद कर रखा है, टोटल जीरो ऑयल। मतलब कहते हैं ना एकदम जीरो, मैं कुछ भी किसी भी सब्जी में मेरे तेल नहीं डलता, किसी भी सब्जी में ऑयल नहीं डलता, क्योंकि बॉडी को ना वो भी करना पड़ता है, क्या बोलते हैं बॉडी को, डिटॉक्स। हाँ डिटॉक्स करना पड़ता है। और हम लोग इतना ज़्यादा बाहर का खाते हैं, शूट करते हैं, तो बीच में अब गैप भी देते हैं। अब जो है जब से हम घर पे बैठे हैं 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, तो मेरे को 2.5 महीने हो चुके हैं ऑयल छोड़े। तो भाई खाना तैयार हो गया। ये हमारे आज सस्ते वाले छोले हैं, थोड़े सस्ते वाले नहीं है, ये राइस के साथ ना यही वाले चलते हैं। ये सलाद। अच्छा राइस, राइस राइस क्या होता है? राइस होता है, राइस ही तो बोल रही हूँ। तो ये आ गए जी सस्ते वाले छोले, ये सस्ते वाले चावल, और ये महंगी वाली सलाद। खीरा महंगा है ना। और ये आलू, और हमारी पूरी भी है। और ये आलू, तो भाई खाना पूरी भी है, तो खाना ही होता है, सस्ता बुरा नहीं होता, ये तो मजाक की बात है। पूरी भी है, बोल रही पूरी। कमेंट में गुस्सा हो जाओ। क्या मेरा खाना कितने? आज तो पूरी शादी वाला खाना है। शादी में बस छोले और आलू होते हैं? अरे मतलब थोड़ा सा शादी वाला, थोड़ा सा शादी वाला, जैसे कोई फंक्शन होता है ना, त्योहार वाला। हाँ फंक्शन वंक्शन होता है तो फिर होता है ना। बड़े दिनों बाद दिख रहा है। पूरी भी है? अरे पूरी, मीठी पूरी, सिंपल पूरी, आलू और छोले, और राइस नहीं है अभी, राइस भी। मौज मारो। अब मौज मारेंगे बैठ के। बढ़िया, चलो आप भी मारो। ये लड़की इतनी आलसी है, कल ब्लॉग शूट करा था सुबह, मंदिर जाने के बाद कैमरा नहीं उठाया। अब बताओ ब्लॉग कैसे डले? इतनी गर्मी हो रही है, क्या ब्लॉग बनाए, कमरे में बैठे रहते हैं उस गर्मी में। यही तो चक्कर है, इसलिए तो ब्लॉग आ नहीं पाते हैं। फिर आप लोग बोलते ब्लॉग नहीं आ रहे, ब्लॉग नहीं आ रहे। और खोए वाली मक्कन वाली, चुप रहो, शकल देख रहा हूं सब्जी वाला की। क्या हो गया इसको एकदम से? नहीं नहीं गिटार पे सुनाना ये आने के बाद, जब मजा आएगा, और फिर बताना भी लोगों को कि क्या है। ठीक है गिटार पे सुनाएंगे। हाँ ठीक है। चलो भाई अभी है क्या, हम लोग जा रहे हैं, आप बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं डॉक्टर की मम्मी को दवाई दिलाने। दवाई मतलब ऐसी को पुरानी मम्मी की दिक्कत है एलर्जी की। हाँ। तो उसी के लिए जा रहे हैं, और चलते हैं फिर, लेट्स गो। आपको भी डॉक्टर नहीं, आप लोग घर पे रहो, आप डॉक्टर के मत आओ। कोई कहीं हट जाओ। तो ये मम्मी और संगीता जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली मैं संगीता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम ही है, मम्मी को भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट होम्योपैथिक दवाई जो है इन लोगों की चलती रहती है, बीच बीच में कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो इसलिए लेने जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे दवाई लेके? हाँ। क्या बोला डॉक्टर, कितने दिन और हैं? कितने दिन, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो भाई दवाई लेके ये लोग आ चुके हैं 15-20 मिनट में, कार में बैठ के मोबाइल में गेड़िया मार रहा था, गेड़िया ही बोलते हैं ना। चले फिर लेट्स गो। रोड खाली है, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों को जरूरत है ना बस वही बाहर निकल रहे हैं। आप देखो रोडों पे वैसे भी अननेसेसरी क्यों निकलो, कोरोना घूम रहा है। वो भी है, कोरोना घूम रहा है। और क्या बाहर वही घूमता है आजकल तो बोतल चल। बस अब एक छोटा सा काम हो रहा है मार्केट में। कि कितने बजे उठते हो? अच्छा इस बात पे बोला हूँ, ये अपनी दवाई क्या खत्म नहीं कर पाती, पूरे दिन की होती है। नहीं नहीं बॉटल तो खत्म कर देती हूँ, वो कह रहा 9 डोजेस लेनी है तो दिन भर में।